दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टमाटर की। ये आप देख रहे हैं, छोटा सा टमाटर लगा और इस पर कलियां भी खिली हुई हैं। एक ये कली खिली हुई है और ये एक यहाँ पर भी कलियां खिली हुई है। यहाँ से भी फ्रूट निकलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा फ्रूट भी इस पर बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लांट है मेरे पास जो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इस पर फर्टिलाइज़र भी किया, स्प्रे भी दी और इसको गोबर की खाद भी दी है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कलियाँ लगी हुई हैं। 1, 2, 3, 4 कलियाँ लगी हुई हैं, इससे भी 4 टमाटर बनेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये भी कलियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से फूल खिलेंगे और फिर इस पर भी टमाटर लगेंगे। एक टमाटर तो ये लगा हुआ है जो बड़ा होने वाला है और दूसरा टमाटर ये बना हुआ है, ये भी बड़ा होने को है। दोस्तों टमाटर के सीड्स लगाना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन टमाटर की केयर करना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इन पर छोटे छोटे से कीड़े अटैक कर जाते हैं जो पौधे को सारा का सारा खा जाते हैं। उनकी कलियां भी खा जाती हैं और टमाटर भी नहीं बन पाते। दोस्तों हम इसके सीड्स तो लगा जाते हैं, लेकिन जब ये पौधा बनने को होता है तो हम इसको भूल जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, यह बहुत बड़ा हो चुका है, इस पर कलियां बहुत लगे हुए हैं और 3-4 टमाटर भी लगे हुए हैं। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, इस पर कीड़ा है जो पौधे को सारा का सारा खा जाता है। अपने पौधों को इस कीड़े से बचाने के लिए हमको कोई स्प्रे करना होगा, जो कीड़े मार स्प्रे होता है वही हमको करना होगा, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके और अच्छी तरह से टमाटर भी दे सके। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, अच्छी केयर नहीं करेंगे, तो इन पर कीड़े सारे अटैक कर जाएंगे और इनकी कलियां भी ख़त्म हो जाएंगी और सारे के सारे फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे। इसकी कलियां भी सारी की सारी झड़ जाएंगी और इन पर सारे फ्रूट ख़त्म हो जाएंगे। जब इनकी कलियां ही कीड़े खा जाएंगे तो इन पर एक फ्रूट भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी कलियां रहेंगी तो फ्रूट भी रहेगा। ये टमाटर का प्लांट तकरीबन 3 माह का हो गया है, इस पर अब टमाटर लगने वाले हैं। दोस्तों अपने पौधों की हिफाजत किया करें, चाहे वो सब्ज़ी वाले हों या वर फूलदार पौधे। इनकी केयर करेंगे तब ही आपको इनको अच्छा सा फल आपको मिल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियोस मेरी आपको अच्छी लगी होगी। नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।